आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे खेलते हैं ये गेम। गुड मॉर्निंग। Oh my God, इतनी धूप और मैं अपना हाफ टी शर्ट पहन रही हूँ। ये देखो सारे धूप मेरे स्किन पर लग रहा है। अभी नवंबर का टाइम है फिर भी इतना धूप है। हेलो डिवोर फैमिली, कुलुम्बा नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आयोंग्स के घर में हूँ। आई एम इन आयोंग्स होम। देखो सेरपंगुरी पर आई हूँ मैं और आज हमारा जो सेरपंगुरी स्विच गेट है वहाँ पर एक गेम होने वाला है। वो गेम है अमल डिमल। हमारे बोरो में से अमल डिमल कहते हैं और वो अमल डिमल गेम आज ही के दिन होने वाला है, जो पानी में सब लोग डुबकी लगाते हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे खेलते हैं ये गेम। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी ये गेम अभी इस टाइम फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये गेम देखने के लिए सरपंगुड़ी पर कभी नहीं आया। बहुत बार आया आंटी के घर फिर भी मैंने ये गेम नहीं देखा, वहाँ पर विजिट नहीं किया सरपंगुड़ी स्विच गेट पर ये गेम देखने के लिए। लेकिन आज मैं देखूँगी और बहुत मज़ा आएगा शायद। आई एम वेरी एक्साइटेड। और चलो आज हम वहीं पर जाने वाले हैं, लेट्स गो। और कल सेकेंड डे पर भी वहाँ पर मछली पकड़ेंगे बहुत सारे लोग। जब स्विच गेट खोलेंगे तब बहुत सारे लोग वहाँ पर मछली पकड़ेंगे और बहुत बड़ी बड़ी मछली मिलने वाली है। तो लेट्स गो, आज फर्स्ट डे है तो वहाँ पर गेम देखने चलते हैं कैसे होता है। लेट्स गो। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ और देखो यहाँ पर बहुत भीड़ है। यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। यहाँ पर छोटे बड़े हर गांव से यहाँ पर आते हैं लोग देखने के लिए ये गेम, जो पानी में डुबकी लगाते हैं। उसका नाम है अमल डिमल। हमारे गांव में से आप रेडीबरी कहते हैं और वैसे सब लोग अमल डिमल ही कहते हैं। तो अमल डिमल आबरी डिबरी एक जैसे ही है, सेम नाम अमल डिमल गेम। सब लोग इसे ही देखने के लिए आते हैं और मैं भी देखने के लिए आई हूँ। अभी लास्ट राउंड नहीं हुआ है और टाइम भी हो गया, ऐसा 2 बज चुके हैं टाइम भी। और टाइम तो शायद 3 बजे तक फाइनल राउंड हो जाएगा और मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा चिल कर रही हूँ, लाइक चिप्स एंड ये जलेबी वगैरह लेके मैं खा रही हूँ। लोगों को सेल्फी की पड़ी है लेकिन मुझे खाने की पड़ी है। धूप भी बहुत है इसलिए हम थोड़ा साया लेके यहाँ पर बैठ रही हूँ। दुनिया को किसकी पड़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खाने की पड़ी है। राठा जी ला।
मैं आंटी के घर वापस आ गई हूँ गेम ख़त्म करके। तो गाइस मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर कम से कम 25 या 24 टीम था। वो सब टीम अलग अलग गांव से एक वन बाय वन टीम होके आते हैं और इस गेम पे पार्टिसिपेट लेते हैं, और जो भी जीतता है उसको 30,000 या 20,000 मिलता है। तो 20,000 या 30,000 में क्या क्या नहीं कर सकते। अगर लड़कियों का गेम होता तो शायद मेरा ग्रुप या मेरी गेंग ही जीतती। मेरे पास भी बहुत सारे लड़कियाँ हैं जो लोग मतलब ये गेम खेल सकते हैं। मैं भी खेलती थी बचपन पे, जब मैं छोटी थी तो मैं ये गेम मतलब बहुत अच्छी तरह से मुझे आता था ये गेम कैसे खेलते हैं और कैसे नहीं। और उस टाइम मेरा जो सांस होते हैं वो बहुत मतलब लंबी समय तक मैं पानी के अंदर रह सकती थी, लेकिन अभी रह सकती हूँ या नहीं पता नहीं, पर मैं अगर मतलब ये गेम खेलती तो शायद ज़रूर जीतती। तो ये गेम होता है अमल दिमल, इसे आबरी डिबरी भी कहते हैं और अमल दिमल भी कहते हैं। उसका नाम टू टाइप्स है, मतलब हमारे उधर आबरी डिबरी बोलते हैं और इधर अमल दिमल, आई थिंक सो, अलग अलग नाम रखा है थोड़ा, फिर भी ये सेम ही है। यहाँ पर गेमर्स ऐसे खेलते हैं कि जो लोग मतलब पानी में रहते हैं तो उसको ऊपर से जो बोट में होते हैं वो जंप करके वन बाय वन जंप मार के जो पानी में एक ग्रुप रहते हैं उस ग्रुप के किसी एक मेंबर को यहाँ पर एक या दो मेंबर को यहाँ पर सर पे टच करना पड़ता है उसको मतलब ढूंढ के, अगर वो पानी में है या कहीं पर भी है तो उसको ढूंढ के हेड पे टच करना पड़ता है तो वो आउट हो जाते हैं। तो इसमें पॉइंट लगता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो और फेस पर भी टच करना पड़ता है, तो फेस पर टच करने से शायद 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये हुआ गेम का रूल्स, और बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन जो हम लोग बचपन में खेलते थे हमारा रूल्स ऐसा ही होता था, लेकिन शायद ये थोड़ा अलग भी हो सकते हैं। बट मुझे बहुत मज़ा आया, आई एम फीलिंग लाइक मतलब मैं भी खेलना चाहती थी, पानी में कूदना चाहती थी, लेकिन ये हमारे गांव से थोड़ा अलग है ना, सो मैं थोड़ा सा शाई कर मतलब लिटिल बिट ऑफ शाई पर्सन कि मैं पानी में गई नहीं। तो अगर मैं मेरे गांव में ये खेल होते तो मैं ज़रूर पानी में डुबकी लगाती, एक नहीं दो बार नहीं शायद तीन बार। लेकिन पानी अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, पहले के जैसा गर्मी नहीं रही। यहाँ पर मैं बचपन में भी आती थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया गाइस, जो भी हो जैसे भी हो मुझे बहुत मज़ा आया। तो सी यू टुमारो, कल मिलते हैं वापस, क्योंकि कल मछली पकड़ने का दिन है, सब लोग मछली पकड़ेंगे, बहुत मज़े से मछली पकड़ने वाले हैं। अगर किसी को मछली बड़ी मछली मिला तो मैं उन लोगों को थोड़ा पटाके, या कोई लड़का या कोई लड़की होगा तो उन लोगों को पटाके में मछली लेकर आऊँगी आंटी के लिए, और हम लोग सब मिल के खाएँगे। ऐसा होगा कि नहीं ये बात की बात है, मतलब वो कल की बात है। तो चलो कल क्या होता है देखते हैं। सी यू अगेन टुमारो गाइस, सी यू इन द अर्ली मॉर्निंग, टाटा बाय बाय। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स,
वैसे मैं उठने वाली लड़की नहीं थी, 4 बजे से 1 घंटा इतना उठाया, अलार्म दे के भी उठाया, मतलब मुझे बहुत जगाने की कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन 1 घंटे बाद मैं फाइनली उठ गई और देखो मेरा हाल कितना बुरा हाल। बुढ़े बुढ़े मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तो आज का दिन है मछली पकड़ना स्विच गेट पे। मैं मछली पकड़ूंगी या नहीं ये सोचना पड़ेगा मुझे। अभी तो बहुत ठंडा है ना, अभी मैं स्वेटर पहन रही हूँ। सुबह सुबह पता नहीं क्या होगा, मैं पानी में उतर सकूँगी या नहीं। चलो क्या होता है देखते हैं। मैं अभी ब्रश करूँगी, ब्रश। तो गाइस मेरा ब्रश हो गया, अभी मैं चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद जाऊँगी उधर सरपंगुड़ी स्विच गेट पे। क्या कहते हो? Guys, here is my breakfast. चाय बहुत टेस्टी है। आप लोगों को ये चाय पीना है, सवेरे सवेरे चाय पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। गाड़ी स्टार्ट खालम्बा बजा जाए ऐसे बेचारा। मैं रेडी हूँ मछली पकड़ने के लिए। ये देखो एक हमारी चिकनी चमेली, इसका बुरा हाल, स्कूटी मार मार के अभी तक नहीं हुआ स्कूटी स्टार्ट। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ, स्टार्ट मुझे नहीं उठा लिया कर यार। हमारी श्री कौन सा नंदू लटका हुआ था वो। तो भाई लोग मिलते हैं डायरेक्टली स्विच गेट पे। हम लोग जा रहे हैं, रास्ते पर है बहुत सारे लोग स्विच गेट पे जा रहे हैं, सब साइकिल से, कोई बाइक से, कोई गाड़ी से, कोई दिखाई को भाई सब लेके। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ और इसका नज़ारा देखो। इतनी सुबह सुबह यहाँ पर बहुत सारे लोग मछली पकड़ने आए हैं, बहुत 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 सारे लोग, और कोई दिखाई को भाई ये सब लेके आ रहे हैं। पता नहीं किस गांव का है, मुझे ज़्यादा पता नहीं, फिर भी ये देखो अगर इस पानी में कोई डुबकी लगाएगा तो शायद वो डायरेक्टली मर जाएगा ऑन द स्पॉट। माय गॉड कितना धार है, कितना ना झरना। नहीं इसे क्या कहते हैं, इतना पानी इतना स्पीड से चल रहा है ना, तो शायद मैं एक बार डुबकी लगाने से मर जाऊंगी मैं। यहाँ पर इतने सारे आदमी थे और पानी भी इतने बड़े पानी से कितना सा हो गया, देखो अभी सब पानी पी गया लोग। इतने सारे लोग आके सब यहाँ का पानी राक्षस की तरह पी गए और यहाँ का सब मछली भी लेकर जाने वाले हैं घर पे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था पानी से और मेरा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट भी हुआ है, इसलिए मैं पानी पे नहीं गई। और मुझे देखकर लोग हंस रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर ज़मीन में रहकर उन लोगों को इंजॉय कर रही हूँ। वो लोग बहुत मज़े से मछली पकड़ रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा था लेकिन मुझे डर लग रहा है पानी से, बहुत ठंडा है पानी भी, मुश्किल में आने वाली हूँ मैं, क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। मैं यहाँ मज़े ले रही हूँ लोगों का, वो लोग इतना चिल्ला चिल्ला के मछली पकड़ रहे हैं ना, जैसे कि पूरा बड़े बड़े मछली मिल चुका है उन लोगों को, लेकिन सब इंजॉयमेंट है आई थिंक। Ah
खंखरा सा मोलुस है बिदि गुस ना मोनग्रा हने खंखरा सा मोलुन जों एसे आथिं आखाय हा बुनां जोबनांगो माथि ना मोनाखै माने मबो खस्थ' खालाम नारे ना सा मो खंखरा दङो इयो ना बलिया मानि खा मोनब्रै गुस सफ्रि जासु आयो जागोन रमा सिसिगा हारसिनि लाखामै दे सेबा लाबोय ना बुस्थुखौ हुन्जाव गैया हुन्जाव गैया मा नांगौ ए खाय जिबन मारै नाखौ बिसिबां मोनखो जि हमथारबाय ना मिलाय बा मोनदोंथ' एसे मोनबाय बुरजा मोनबाय ने माबे नखरसेनिल' औ नों सानदों बोरै बोरै बाथौ थैथारबायथ' फोराननानैबो जाजाबाय मनासे मारै नाखौ नायनि दे बिसिबां मोनखो नाया बुरजा नायनि नोंना बा फैलाय ओरै सान्दुङावहा एसे जि मोनदोंथ' आंखौ दा खिब्रा नायलाय आंबाय आंखौ दा दे नायलाय मोनदोंथ' मोजां नुवा लिरि फैलाय एसे दावगोलाय কই পাইলি রে এটা কই পাইলি একলাই নাকি একটাই খালি রাও রাও ফটো মারিব না নাই নেও নেনখন বানছিন দবাই টং টং জানা বাহ हाबा गिदिर गिदिर मोनथारदों आरो गान्दा गागेब दं बारसिनलाय बारख्लायलाय बुथारबाय बुरजा मोनथारबाय ना बयबो औ मोनबाय दे मैथाजों नाजों जायथारदों न'आवनो औ गोथाव गोथाव औ तो गाइस यहाँ पर हर साल ऐसे ही आदमी होते हैं हर साल यहाँ पर फिश कैचिंग करने आते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे आदमी हैं और कितने सारे मछलियाँ हैं बहुत लोगों ने कुछ बहुत सारे मछलियाँ पकड़ी है मुझे नहीं पता उन मछलियों का नाम ज़्यादातर लेकिन बहुत सारे मछलियाँ पकड़ी है और जहाँ तक मुझे पता है इस पानी के सारी मछलियाँ इंसानों के पेट में जाने वाली है लेकिन मेरे पेट में नहीं क्योंकि मैं पानी पे घुसा ही नहीं डर की वजह से क्योंकि बहुत ठंडा था और मैं अपने गांव में करूँगी ये सब लेकिन यहाँ पर नहीं करूँगी मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है तो आज का वीडियो यही तक था बाय बाय टाटा लव यू गाइस इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल और एंड हिट द बेल आइकन ताकि मैं अगर नई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को जल्दी 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 से नोटिफिकेशन मिल जाए बाय बाय टाटा लाइक लव यू बाय बाय It's the first time of today.